जब भी किसी देश में फ्रीडम की बात की जाती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी एज सिटीजन्स, इक्वालिटी इन सोसाइटी, इक्वालिटी इन जस्टिस। और इंडिया में हमें यह सुनिश्चित करती है सुप्रीम कोर्ट, और एज ए सिटीजन हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन 3 ऑर्गन्स में पावर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, इसलिए इन्हें 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। जुडिशरी का सबसे मेन काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसका पालन करना, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे नजर रखना कि वो भी उनका पालन करें। इंडिया में इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंडिपेंडेंट यानी ये किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंडर नहीं आता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। और इंटीग्रेटेड मतलब जैसे सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है और उनमें पावर्स शेड्यूल 7 में दी गई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती हैं, लेकिन जुडिशियरी के केस में स्टेट और सेंटर में सिंगल जुडिशियल सिस्टम ही लगता है, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो पिरामिड फॉर्म में होता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके अंडर हाई कोर्ट्स, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट अगर किसी को पसंद नहीं आती है तो वो अपना केस लेकर जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जजमेंट अच्छा ना लगे तो वो जाता है हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट का भी डिसीजन पसंद ना आए तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल डिसीजन होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पे लागू होता है, और हाई कोर्ट्स का डिसीजन उनके अंडर आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर लागू होता है, और सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपने अंडर आने वाली सबॉर्डिनेट्स कोर्ट पर। कोर्ट्स की संख्या की अगर बात करें तो इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, कुछ हाई कोर्ट्स के अंडर 2 से 3 स्टेट्स आते हैं, और टोटल 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे एपेक्स कोर्ट है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें टोटल मैक्सिमम जजेस की लिमिट फिलहाल 34 की है, जिसमें से एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। यानी सुप्रीम कोर्ट में आने वाली सभी केसेस में जस्टिस यानी न्याय की जिम्मेदारी सिर्फ इन 34 जजेस के ऊपर होती है, इसलिए इन जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसीजर में कई बार बदलाव हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो है कोलिजियम का। इस प्रोसीजर में जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसी फिल करनी होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोलिजियम की राय लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में कि किसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए। किसी कैंडिडेट के लिए अगर कोलिजियम के इवन 2 मेंबर भी मना कर देते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिन कैंडिडेट्स के लिए कोलिजियम सहमत होती है फिर उनका नाम CJI भारत के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं और ओथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में CJI के रोल की वजह से CJI की पोजीशन जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। CJI का कोई फिक्स टर्म नहीं होता। CJI की पोस्ट से रिटायरमेंट का क्राइटेरिया होता है एज। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की एज 65 ईयर्स हो जाती है वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं, और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही अगला CJI बनता है। सीनियोरिटी से यहाँ मतलब होता है कि कितने टाइम तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एज जज काम किया है। वो भी अगर किन्हीं 2 जजेस का सेम हो जाए तो फिर उनके करियर में एज ए हाई कोर्ट जज उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है। CJI की अपॉइंटमेंट और ओथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलवाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 5 साल एज ए हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस, या 10 साल का हाई कोर्ट में वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत बड़े बड़े केसेस में अपने जजमेंट्स देते हैं, जिनमें कई बार केसेस सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं। इन केसेस में जजेस बिना किसी डर के इंडिपेंडेंटली अपनी ड्यूटी कर पाए, इसलिए उनके रिमूवल के प्रोसीजर बहुत ही मुश्किल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये करना कितना मुश्किल है इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी पोस्ट से रिमूव नहीं किया गया है। अपॉइंटमेंट के बाद अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स की, यानी क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को इन 7 कैटेगरीज में देखा जा सकता है: ओरिजिनल, रिट, एपिलिएट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू और अदर पावर्स। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट सीधा सुनवाई करता है।
इनमें आते हैं वो केसेस जिनमें किन्हीं कारणों की वजह से स्टेट और सेंटर के बीच में कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड मतभेद हो जाते हैं। इन मामलों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। नेक्स्ट, रिट। जब भी किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, उनका हनन सरकार के किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। किसी भी टाइप के सिविल या क्रिमिनल केस में जब भी लोअर कोर्ट्स में किसी को इंसाफ ना मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उस केस में सुनवाई की जाएगी या नहीं वो कोर्ट डिसाइड करता है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने से पहले हाई कोर्ट में अप्लाई करना होता है। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल केसेस में हाई कोर्ट खुद भी सुप्रीम कोर्ट को किसी केस की सुनवाई करने के लिए अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कई सारे कानूनी प्रक्रिया से जुड़े विषयों पे इंडिया के प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। हालांकि वो एडवाइसेस प्रेसिडेंट के लिए मानना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन स्पेशल केसेस में सुप्रीम कोर्ट का व्यू प्रेसिडेंट के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। अभी तक टोटल 15 से 20 बार भारत के राष्ट्रपति ऐसा कर चुके हैं जब अपने डिसीजन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया हो। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को दोबारा एविडेंस के बेस पे प्रूफ नहीं करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस अपने आप में ही एविडेंशियली प्रूव्ड मान लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और ऑर्डर्स को एज रेफरेंस यूज किया जा सकता है, यानी जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए जाते हैं उनका यूज करके लोअर कोर्ट्स में भी दलीलें दी जा सकती हैं और जजमेंट्स पास किए जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में पनिश करने की। ये कंटेम्प्ट दो टाइप के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट मतलब जानबूझकर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और ऑर्डर्स को ब्रेक करे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब अगर कोई न्याय और कानून की प्रक्रिया में बाधा बने, कोर्ट के गौरव और नैतिकता पे गलत टिप्पणी करे या कोर्ट की रेपुटेशन को कम करने की कोशिश करे। तो इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट आरोपी को मैक्सिमम 6 मंथ की जेल या 2,000 रुपए का फाइन या दोनों लगा सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए लॉज पर रिव्यू ले सकता है और उनकी वैलिडिटी चेक कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पाता है तो वो उन्हें नल एंड वॉइड यानी खारिज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट को मिली इस पावर की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर पाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास और भी कई सारी पावर्स होती हैं। वो अपने ही पुराने जजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए कई सारे वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ही हमें समझाता है। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर सीमित हो जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल मैटर्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ट्रीटी डिस्प्यूट्स और इसके अलावा मिलिट्री और कोर्ट मार्शल के केसेस एटसेट्रा। तो ये थी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।